यार इससे बढ़िया लोकेशन आपने कहीं देखी है? मैंने नॉर्थ घूमा है, पाकिस्तान पूरा घूमा है, लेकिन ये यूएसए वाली फीलिंग है कि नहीं? एज एवरी वन नो, अराउंड 29 डेज मैंने कोई कॉन्टेंट पोस्ट नहीं किया, उसकी वजह आपको पता ही है, पिछली वीडियो में बताया था। कराची में इक्विपमेंट मैं फ़िलहाल बाहर नहीं निकाल सकता, इट्स माय पॉलिसी, लेकिन मैं कराची के बाहर तो जा सकता हूँ ना, तो आई फाउंड अ न्यू लोकेशन। न्यू तो नहीं, पुरानी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, 70% लोगों के लिए न्यू होगी, कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर। यार हमने सोचा कुछ एनर्जी हो जाए, तो रेड बुल इज़ माय फेवरेट ड्रिंक, आप भी पिए, मर्ज़ी आपकी, पिए ना पिए, लेकिन इसको पीने से मुझे एनर्जी मिलती है। एज ए स्टूडेंट ऑफ मीडिया साइंस, मुझे वीडियो प्रोजेक्ट्स और वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, इसके हवाले से मुझे असाइनमेंट्स या फाइनल्स इसी तरह के मिलते रहते हैं। तो रिसेंटली मुझे एक टास्क मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई आपको एक म्यूज़िक वीडियो शूट करनी है और एडिट करनी है। हालांकि काम ये थीसिस का है, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में ही ये दे दिया। फिर मेरे जहन में एक सॉन्ग छपा, डायरेक्टर तो है ना, तो सॉन्ग आया मेरे जहन में, जीना जीना बॉलीवुड का सॉन्ग आतिफ असलम का, तो मैंने सोचा इस पर हम म्यूज़िक वीडियो बनाएंगे, रिक्रिएट करेंगे इसको। और इस लोकेशन पे गए, ड्रोन सीक्वेंस, कैमरा सीक्वेंस को मर्ज करके आपको नहीं दिखाया, तो यहाँ आने का फ़ायदा क्या है यार, चेक करें ज़रा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें,
दिल से जो मैंने करी है। सच्ची सी है ये तारीफ है दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला जमी को मेरी आधे आधे पूरे हैं। हाँ भाई शूट जारी है, ये शूट कर रहे हैं यार। ये तो काफ़ी प्रोफेशनल निकला, मैंने इतना इसको टैलेंटेड समझा नहीं था। ये बहुत टैलेंटेड है। ये पीछे देख रहे हैं लोकेशन यार, क्या वेदर है, क्या टर्बाइंस पीछे, यहाँ पे फोटोग्राफी और ड्रोन शॉट तो मतलब आपने देखे ना, कितने गजब के ड्रोन शॉट आए हैं। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, कराची में तो निकल नहीं सकते, छिन ना जाए भाई, यहाँ पे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई। लेकिन दो तीन आए थे नमूने के, ड्रोन नहीं उड़ाओ वो नहीं उड़ाओ, मैंने कहा चल जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं घर वापस, तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। और अभी मैं यहाँ क्यों जा रहा था पता है, वो टर्बाइन चढ़ने जा रहा हूँ। कैसी लगी लोकेशन? लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ फोटोग्राफर्स, ड्रोन ऑपरेटर्स जाएं और एक बार होकर आएँ, आपको मज़ा ना आए पैसे वापस। कॉपीराइट लग जाएगा, कोई इशू नहीं है यार, आपसे बढ़ के नहीं है, लगा देते हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यू लोकेशन अराउंड कराची के आसपास, नियर कराची। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।